हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ द ट्रैवल फोटोग्राफी कोर्स। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैमरा गियर्स की। सबसे पहले तो माय अपोलॉजीज कि मैं ये एपिसोड ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के बाद लेकर आ रहा हूँ, बिकॉज आई वाज ऑक्यूपाइड विद अदर थिंग्स। बट अब से रेगुलरली आई विल ट्राई टू पोस्ट ऑल दी अदर एपिसोड, जो बाकी के एपिसोड्स बचे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ईगरली इन एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग एपिसोड 1। और अब हम बात करेंगे एपिसोड 2 में कैमरा गियर्स के बारे में। इफ़ यू इंटेंड टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रैवल फोटोग्राफर, मतलब करियर वाइज आप अपना ब्रेड एंड बटर ट्रैवल फोटोग्राफी को बनाना चाहते हैं, तो ये मैंने एक कोर्स चालू किया है 8 एपिसोड का। सो एपिसोड 1 वॉज ऑन रिसर्च, जो कि मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। एपिसोड 2 इज ऑन कैमरा गियर्स। वैसे तो ट्रैवल फोटोग्राफी की अगर बात की जाए तो आप स्मार्टफोन से लेके फुल फ्रेम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी ऐसा डिवाइस है जिसमें कैमरा है, यू कैन यूज़ दैट फॉर ट्रैवल फोटोग्राफी। बट जब हम प्रोफेशनल सर्किट की बात करते हैं, जब हम प्रोफेशनल ट्रैवल फोटोग्राफी की बात करते हैं, तब थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है। बिकॉज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रेड एंड बटर की। जब ब्रेड एंड बटर मतलब कमाई का के बारे में बात होती है, तो बात होती है क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स की। एज अ फोटोग्राफर ऑब्वियसली आपकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बट जब हम प्रोफेशनल ट्रैवल फोटोग्राफी की बात करते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर क्लाइंट। उनकी क्या नीड है, उनको किस तरीके के पिक्चर्स चाहिए, उनको पिक्चर्स में किस तरीके की क्वालिटी चाहिए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई बिलीव वन शुड केयरफुली चूज हिज और हर कैमरा मॉडल। नाउ जब हम कैमरास की बात करते हैं, तो मार्केट में बहुत सारे कैमरा ब्रांड्स ऑलरेडी यू नो अवेलेबल हैं, फ्रॉम कैनन टू सोनी टू निकॉन टू फूजी टू लोमेक्स एंड व्हाट नॉट, बहुत सारे ब्रांड्स हैं टू चूज़ फ्रॉम। बट इवेंचुअली जब हम बात करते हैं ट्रैवल फोटोग्राफी की, वैसे तो आप कोई भी ब्रांड का कैमरा उठा लीजिए, दे आर ऑल गुड। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है, और इतना सॉफ्टवेयर ड्रिवन हो गए हैं कैमरास कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट स्टिल जब हम प्रोफेशनल नीड्स की बात करते हैं, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, तो आई बिलीव, और ये मेरा पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस रहा है आफ्टर ट्राइंग ऑल काइंड ऑफ कैमरास। मैं सेंसर साइज की अगर बात करूँ, फ्रॉम APS-C सेंसर टू माइक्रो फोर थर्ड टू 1 इंच सेंसर एंड फुल फ्रेम, मुझे ऐसा लगता है फुल फ्रेम वो कैमरा है जहाँ पे अगर आप प्रोफेशनल ट्रैवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपका जो सर्च है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। अब फुल फ्रेम किसी भी ब्रांड का हो सकता है, डजेंट रियली मैटर वो कैनन का हो, सोनी का हो, निकॉन का हो, इट कुड बी एनी ब्रांड, जब तक कि वो फुल फ्रेम है ना। यहाँ पे कुछ लोग मुझसे शायद डिसएग्री कर सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है साहब, हमने APS-C साइज़, माइक्रो फोर थर्ड सेंसर, इवन 1 इंच सेंसर, और इवन स्मार्टफोन से भी लोगों को बहुत बढ़िया ट्रैवल फोटोग्राफी करते हुए देखा है। इंस्टाग्राम पे आप देखिए, इंस्टाग्राम भरा हुआ है मोबाइल फ़ोटोज से और इतने अच्छे पिक्चर्स से, और वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि फुल फ्रेम हो। इट्स ऑल अबाउट दी मैन बिहाइंड द मशीन, इट्स नॉट अबाउट द कैमरा। ठीक है, वो सारी बातें सही है, जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, जब हम रियलिटी की बात करते हैं, तो लेट मी टेल यू, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि फुल फ्रेम कहाँ कहाँ पे आपको हेल्प करेगा। सबसे पहला फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई है एक एयरलाइन की कि भाई अहमदाबाद सिटी के कुछ हमें अच्छे शॉट्स चाहिए और एक एक बढ़िया शूट कराना है, बिकॉज हम नया रूट चालू कर रहे हैं दिल्ली टू अहमदाबाद, और हम उन पिक्चर्स को अपने ब्रांच ऑफिसेज में एज अ पोस्टर्स, मार्केटिंग कोलैटरल में, वेबसाइट पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इवन बिलबोर्ड्स पे, होर्डिंग्स पे इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर ये जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप इसको देखें, तो इसमें स्मार्टफोन की खींची हुई पिक्चर्स टेक्निकल रिक्वायरमेंट इस ब्रीफ की फेल कर जाएंगे, बिकॉज स्मार्टफोन की पिक्चर्स को आप बिलबोर्ड पे कीपिंग दी डिटेल्स एंड शार्पनेस एंड क्लैरिटी इंटैक्ट आप प्रिंट करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सो अगर बात करें हम फुल फ्रेम की, तो फुल फ्रेम कैमरा से निकले हुए जो रिजल्ट्स रहते हैं, वो पहले तो क्लाइंट के लिए बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं टू क्रॉप द इमेज एंड स्टिल मेंटेन द डिटेल ऑफ द इमेज। अगर वो क्रॉप करना चाहते हैं, वो उसी शॉट का एक वर्टिकल फॉर्मेट चाहते हैं, या लैंडस्केप चाहते हैं, या स्क्वायर फॉर्मेट चाहते हैं फॉर इंस्टाग्राम, दे कैन डू दैट, दे कैन मैन्यूपुलेट इट, वो उसको क्रॉप कर सकते हैं और डिटेल्स फिर भी इंटैक्ट रहेंगी। और फुल फ्रेम वेरियस लाइटिंग कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे लो लाइटिंग कंडीशंस हो, चाहे अच्छी लाइटिंग कंडीशंस हो, चाहे बैड वेदर हो, चाहे गुड वेदर हो, चाहे इंडोर्स हो, चाहे आउटडोर्स हो,
एज कम्पेयर टू अदर सेंसर साइज, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने अपने ऑलमोस्ट 12-13 साल के करियर में यही सीखा है कि अल्टीमेटली अगर आपको क्लाइंट को रिजल्ट देने हो तो फुल फ्रेम इज दी कैमरा। नाउ अब आप बोलेंगे कि भाई आप फुल फ्रेम पे इतना एम्फसाइज कर रहे हो, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत एडवोकेट करता हूँ फुल फ्रेम यूसेज का इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, बिकॉज एक तरीके से देखा जाए तो फुल फ्रेम के ऊपर वैसे तो मीडियम फॉर्मेट भी है, बट मीडियम फॉर्मेट को आप ट्रैवल सेगमेंट में, ट्रैवल जॉनर में इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बड़ा कैमरा होता है, मीडियम फॉर्मेट के लेंसेज अलग होते हैं, देन यू नो हर मीडियम फॉर्मेट इज इनसेनली एक्सपेंसिव। तो वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए आई बिलीव फुल फ्रेम वो एक बहुत ही अच्छा लेवल है जहाँ पे बस आपकी सर्च खत्म हो जाती है और इसके बाद आपके पास भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचता टू जस्टिफाई कि आपकी पिक्चर्स अच्छी क्यों नहीं आ रही है। आपके पास फुल फ्रेम है जो कि बेस्ट सेंसर है, एंड देन ऑब्वियसली फुल फ्रेम रिलेटेड लेंस भी होंगे आपके पास, उसके बारे में अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे किस तरीके के लेंसेज आपको लेने चाहिए। बट देन अगेन फुल फ्रेम पे आके आपका सर्च स्टॉप हो जाना चाहिए और उसके बाद आपके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं बचता ये बोलने का कि काश मेरे पास ये वाला फुल फ्रेम कैमरा होता तो मैं इस तरीके के रिजल्ट निकालता। बिकॉज काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जब भी कोई मैं पिक्चर पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कौन सा कैमरा। नाउ अगेन कैमरा अ गुड कैमरा विल ऑलवेज हेल्प यू इन मेकिंग योर टास्क ईजी, बट वो आपको एक अच्छा फोटोग्राफर नहीं बनाता, ये तो डन बात है। सो इवेंचुअली जब आपके पास एक अच्छा कैमरा होता है तो सिर्फ आप अपने कॉम्पोजिशन पे, अपनी फ्रेमिंग पे, अपनी स्टोरी टेलिंग पे फोकस कर सकते हैं, कीपिंग असाइंड ऑल द टेक्निकलिटीज जिससे आपको जूझना पड़ता है अगर आपके पास छोटे साइज का सेंसर हो, स्पेशली जैसे लो लाइटिंग कंडीशन में फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा, या आपको वाइड अपर्चर वाले लेंसेज स्मॉल साइज सेंसर्स में इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते, अगर हैं भी तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है जो आपको फुल फ्रेम में मिलता है, देन शैलो डेप्थ, लो लाइटिंग परफॉर्मेंस, हाई आईएसओ परफॉर्मेंस, क्रिस्प एंड शार्प शॉट, गुड डिटेल्स, हाई डायनेमिक रेंज, ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं फुल फ्रेम कैमराज के जो कि स्मॉलर सेंसर कैमराज में नहीं नजर आते। सो जैसे कि मैंने बोला, आपको एक लेटेस्ट APS-C साइज सेंसर के कैमरे की प्राइस पे आपको एक एंट्री लेवल फुल फ्रेम सेंसर कैमरा मिल सकता है, एंड इवेंचुअली आप ये भी कोशिश कर सकते हैं जैसे कैनन 5D Mark III, कैनन 5D Mark IV, ये और भी कम प्राइसिंग पे आपको शायद अवेलेबल हो जाए अगर आप मार्केट में ढूंढे तो, और कई ऐसे स्टोर्स हैं, कई ऐसे रिटेल और आउटलेट्स हैं जो यूज्ड कैमरा भी रखते हैं आफ्टर यू नो रिगरस टेस्टिंग। फ्यूचर फॉरवर्ड उनमें से एक है, मैं उसके बारे में बात करूंगा, हालांकि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है बट स्टिल आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट। तो कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जो सेकंड हैंड कैमराज भी रखते हैं जहाँ पे जाके आप टेस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, देन यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू बाय दैट कैमरा और नॉट। बट इवेंचुअली मैं यही इंसिस्ट करूँगा, अगर आप प्रोफेशनली ट्रैवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं अपनी और अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज आपके पास किसी भी तरीके का क्लाइंट आ सकता है। आज क्लाइंट आपको बोल रहा है कि मुझे सिर्फ कल्चरल इवेंट शूट करवाने एक डेस्टिनेशन में, और फिर कभी बोल रहा है मुझे वाइल्ड लाइफ एक नेशनल पार्क की शूट करवानी है, या मुझे इस तरीके के पिक्चर्स चाहिए लो लाइटिंग में ना एस्ट्रो फोटोग्राफी के, तो इन सारी चीज़ों के लिए ना एक फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए इन सारी, क्योंकि ट्रैवल फोटोग्राफी इज मिक्सड ऑफ लॉट ऑफ जॉनर्स ऑफ फोटोग्राफी। आप स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स ले लीजिए, लैंडस्केप ले लीजिए, आप फेस्टिवल्स ले लीजिए, आप वाइल्ड लाइफ ले लीजिए, आप एट टाइम्स एस्ट्रो फोटोग्राफी भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो भी बॉडी कैमरा बॉडी आप चूज करें वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और फुल फ्रेम ज़्यादातर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनमें होती है कि ये सारे जॉनर्स वो कवर कर लें। नाउ बिफोर यू बाय एनी फुल फ्रेम आई वुड सजेस्ट स्ट्रांगली कि आप पहले कैमरे को ट्राई कर लें। ना हो सकता है कई रिटेल आउटलेट्स आपके लिए एक नया बॉक्स खोल के आपको ट्राई करने को नहीं देते, ये इंडिया में हमारे यहाँ काफ़ी रिटेल स्टोर्स पे प्रॉब्लम है, बट कुछ स्टोर्स अलाउ भी करते हैं जिनके पास कंपनी डेमो बॉडीज प्रोवाइड करती हैं टू ट्राई आउट, बट ट्राई आउट भी वो आप स्टोर के अंदर ही कर पाते हैं। तो इवेंचुअली व्हाट आई वुड सजेस्ट इज देर आर मेनी रेंटल हाउसेज, फ्यूचर फॉरवर्ड कैमरा रेंटल हाउस इज वन ऑफ देम, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ। आप एक दो दिन के लिए जो भी कैमरा आप इंटरेस्टेड हो बाय करने में आप उसको रेंट कर सकते हैं, आप ट्राई आउट कर सकते हैं, आप इवन कोई अपने प्रोजेक्ट में उसको एक बार यूज़ करके देख सकते हैं, उसके रिजल्ट इवेल्यूएट करें, रॉ फाइल्स को इवेल्यूएट करें, एंड देन डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू बाय दैट कैमरा और नॉट। लास्ट में इवेंचुअली जो भी फुल फ्रेम आप डिसाइड करें मैं सजेस्ट यही करूँगा उनमें दो एट्रीब्यूट्स तो होने ही चाहिए, एक एटलीस्ट 24 मेगापिक्सल हो एंड हाई आईएसओ परफॉर्मेंस हो, मतलब लो लाइटिंग में जब आप आईएसओ बूस्ट कर रहे हो तो
तो जो उसके रिजल्ट हों, जो नॉइज़ हो वो कम से कम विजिबल हो। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिए, चाहे आप सेकेंड हैंड ले लीजिए, चाहे आप 2 साल पुराना रिलीज्ड मॉडल ले लीजिए, मतलब नया बट 2 साल पुराना जो रिलीज़ हुआ है, और चाहे आप लेटेस्ट कैमरा ले लीजिए। तो ये दो एट्रीब्यूट ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं लेंसेज की। नाउ जैसे कि मैंने बोला, ट्रैवल फोटोग्राफी जो जॉनर है उसमें बहुत सारे सब जॉनर्स भी आते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ, लैंडस्केप, आर्किटेक्चर, स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स, पोर्ट्रेट्स, कल्चर इवेंट्स, ऑल काइंड ऑफ स्टफ। तो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, डिपेंडिंग ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप लेंसेज को चूज़ करिए। ना मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं बहुत सारे काइंड ऑफ ट्रैवल फोटोग्राफी मैंने करी है, जो हर सेक्टर में, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कल्चरल इवेंट्स हो, चाहे वो स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स हो, लैंडस्केप हो, वाइल्ड लाइफ हो, बट मेरा जो इंक्लिनेशन थोड़ा हमेशा से रहा है वो वाइल्ड लाइफ की तरफ ज़्यादा रहा है। तो मैंने अपना एक खुद का 100-400 mm लेंस लेके रखा हुआ है, अलॉन्ग विद 24-70 mm लेंस, और 100-400 mm लेंस से मैंने लैंडस्केप भी शूट किए हैं, पोर्ट्रेट्स भी शूट किए हैं, कल्चरल इवेंट्स भी शूट किए हैं, इनफैक्ट आर्किटेक्चर भी शूट किया है, एंड इवेंचुअली जो 24-70 mm f/2.8 है वो ऑब्वियसली वाइड एंगल प्रोवाइड करता है 24 mm पे फॉर लैंडस्केप एंड सिटीस्केप फोटोग्राफी, एंड आई कैन ऑल्सो डू अ बिट ऑफ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी विद दैट लेंस। तो ये दो लेंसेज मोर और लेस जो मेरी मोटी मोटी ट्रैवल फोटोग्राफी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, और मेरे क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखती है। हाँ, इवेंचुअली अगर मुझे कुछ स्पेशल काइंड ऑफ शूट करना है, जैसे कि मैं लद्दाख जा रहा हूँ और वहाँ पे मिल्की वे बहुत अच्छा दिखाई देता है, अगर सब कुछ आपके फेवर में चले, अच्छा पिच डार्क सिचुएशन है, आपको मिल्की वे बहुत अच्छा लगा नज़र आता है, आपको थोड़ी बहुत एस्ट्रो फोटोग्राफी करनी है, तो स्पेसिफिकली मैं 20 mm f/2.8 जैसा लेंस प्रेफर करूँगा। बट मैं इस पर्पज़ के लिए वो लेंस खरीदूंगा नहीं, मैं रेंट पे ले लूँगा, वो ज़्यादा फीजिबल है, बिकॉज 4-5 दिन के लिए रेंट पे लें और फिर उसके बाद फिर आप उसको वापस कर दें, बजाय इसके कि आपने ऑलमोस्ट 70-80 हज़ार रुपये का लेंस खरीदा एंड देन फिर आप साल भर उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो जो भी मेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मुझे पता है मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे हो सकता है मैक्रो फोटोग्राफी करने का मौका मिले, तो मैं मैक्रो फोटोग्राफी लेंस खरीदूंगा नहीं, आई वुड प्रोबेबली रेंट इट। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजंस आपको लेने चाहिए। इवेंचुअली मैं तो ये भी बोलूँगा कि अगर आपका हाथ कैमरास पे सेट है, सेट से मेरा मतलब है यू नो द बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी, अपर्चर, ISO, एक्सपोजर ट्राइंगल, यू नो ऑल दीज थिंग्स, सो बेटर तो ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए पूरा का पूरा सिस्टम रेंट पे ले लें, जो भी आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको जॉट डाउन कर लें, क्या क्या उसमें आपको शूट करने हैं और उसके टाइप के लेंसेज क्या क्या लगेंगे, ओके, वो सारे लेंसेज आप रेंट पे ले लें अलॉन्ग विद द बॉडी, इससे बेटर कुछ होगा नहीं। हाँ, ROI देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखिए, अगर आप 10,000 का इक्विपमेंट रेंट पे लेके यू आर अर्निंग लाइक 25-30,000 रुपीज आउट ऑफ इट या प्रॉबेबली मोर, देन वाई नॉट जस्ट रेंट इट आउट इनिशियली। बट अगर आपको लगता है आपके पास काम ज़्यादा है, आपको रेंट पे लेना ज़्यादा महंगा पड़ रहा है बार बार, देन अपना खुद का इक्विपमेंट होना ज़्यादा फीजिबल है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप उसको बाई कर लें। सो लेंसेज को लेके लास्ट में बस मैं इतना ही कहूँगा कि आपका जो भी इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट से रिलेटेड आप लेंस की तरफ देखिए। इनिशियली आप ये भी कर सकते हैं कि आप 24-105 या 24-120 जो ज़्यादातर फुल फ्रेम कैमरा ब्रांड्स उनके साथ एज अ किट लेंस भी आता है, आप इनको खरीद के पहले कुछ शूट्स कर लें तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका इंक्लिनेशन किस तरफ ज़्यादा जा रहा है, पोर्ट्रेट्स की तरफ ज़्यादा है या वाइल्ड लाइफ की तरफ ज़्यादा है या लैंडस्केप की तरफ ज़्यादा है, ताकि क्योंकि आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप इस प्रोफेशन में अपने शौक की वजह से आए हैं, नाउ यू आर मेकिंग इट एज अ प्रोफेशन, सो ऑब्वियसली आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ना सिर्फ क्लाइंट की। तो अगर जैसे कि मैंने बोला मुझे वाइल्ड लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है, कभी कभी मैं शौकिया भी जाके बाहर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ ना सिर्फ क्लाइंट्स के लिए, तो उसके लिए मैंने अपने लिए 100-400 mm अलग से ले लिया। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि आपको कुछ स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है फोटोग्राफी का, तो आप उससे रिलेटेड लेंस आप परचेज कर सकते हैं एंड बाकी यू कैन रेंट इट आउट। इक्विपमेंट में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इक्विपमेंट जो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो है अ गुड ट्राईपॉड, अ डिसेंट ट्राईपॉड। मैं ऐसे ट्राईपॉड की बात कर रहा हूँ जो आपके कैमरे और लेंस का कंबाइंड वेट उठा सके, हवा के झोंके में गिर ना जाए, यू नो थपेड़ों में उड़ ना जाए, इस तरीके का ट्राईपॉड होना चाहिए जिसको आप बीच पे रखें तो वो स्टर्डी रहे और अगर विंड चल रही है तो भी वो जमा रहे वहाँ पे आपके कैमरे के साथ, उलट ना जाए।
तो इस तरीके के ट्राइपॉड की बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ट्रैवल फोटोग्राफी में ज़रूरत पड़ती है, खासकर तब जब आप कैमरे को स्टेबलाइज करके लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स, वो मिल्की इफेक्ट वाले वाटरफॉल्स, वो एस्ट्रो फोटोग्राफी, वो स्टार ट्रेल्स एंड मिल्की वेज, इस तरीके के अगर पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो ट्राईपॉड इज़ अ मस्ट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ग्रैब अ लॉन्ग एक्सपोजर शॉट हैंड हेल्ड, तो ट्राईपॉड ज़रूरी है। ट्राईपॉड के साथ साथ आप एक छोटा गोरेला पॉड भी रख सकते हैं, ताकि बार बार इतना बड़ा ट्राईपॉड खोलने की आपको ज़रूरत ना पड़े। आप एक छोटा ट्राईपॉड साथ में रख सकते हैं उसके, ताकि चलते फिरते अगर आपको कहीं कैमरा स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है, आपने फट से निकाला गोरेला पॉड या मिनी पिक्सी काइंड ऑफ ट्राईपॉड जो आते हैं मानफ्रोटो के, उस पर लगाया एंड यू कैन टेक द शॉट। तो इस तरीके के छोटे ट्राईपॉड्स भी आप अपने पास रख सकते हैं, ये भी काफ़ी हैंडी होते हैं। ट्रस्ट मी, मेरे काफ़ी शॉट्स मैंने ऐसे ही चलते फिरते इन मिनी ट्राईपॉड्स से निकाले हैं, छोटे ट्राईपॉड से, और दिखने में छोटे लगते हैं बट इनमें से कुछ कैन रियली होल्ड द वेट ऑफ करंट मिररलेस कैमराज, लेट मी टेल यू, एंड इवन ओल्ड DSLRs। मैंने पिक्सी कैमरे में, सॉरी पिक्सी ट्राईपॉड पे मैंने D850 एंड 70-200 तक का वेट मैंने हैंडल करवाया है। सो इस तरीके के यू नो ट्राईपॉड्स अभी आ रहे हैं मार्केट में, आप वो भी ले सकते हैं बड़े ट्राईपॉड के साथ में। ना अगर हम बड़े ट्राईपॉड की बात करें, मैं वो हैवी ड्यूटी भारी भरकम ट्राईपॉड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे ट्राईपॉड ब्रांड्स हैं, जैसे कि वैनगार्ड, मानफ्रोटो, सिरुई, बेनरो, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। चूज़ समथिंग विच इज़ लाइट वेट और वो आपको कार्बन फाइबर में ही मिलेगा। येस, कार्बन फाइबर ट्राईपॉड्स आर एक्सपेंसिव, बट लेट मी टेल यू, ट्राईपॉड को आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट मानिए। अगर आप सीरियसली ट्रैवल फोटोग्राफी एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं तो ट्राईपॉड को वन टाइम इन्वेस्टमेंट मानिए आप, और ऐसा लाइट वेट ट्राईपॉड लीजिए जिसको आप कैरी कर सकें, बैकपैक पर फिक्स करके आप मूव कर सकें, ज़्यादा हैवी ना हो, फटाफट खोल सकें, लगा सकें। मेरे पास जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ है मानफ्रोटो का बी फ्री ट्राईपॉड, जो कि कार्बन फाइबर टाइप ट्राईपॉड लिया है मैंने। इट्स वेरी लाइट वेट, बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि वो पैक होके मेरे चेक इन लगेज में भी चला जाता है अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो, और मैं वहाँ जाके उसको निकाल के अपने बैक पैक पे पीछे फिक्स कर लेता हूँ। इट्स दैट हैंडी। तो इस तरीके के ट्राईपॉड रखिए, बिकॉज आप हर समय ट्राईपॉड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भी एक बात है एज अ ट्रैवल फोटोग्राफर, बट जब भी करें तो ऐसा ट्राईपॉड हो जो आपको एक ढंग के शॉट्स निकाल के दे सके। और ट्राईपॉड यूज़ करने की आदत डालना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग ट्राईपॉड खोलने और बंद करने में आलस कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके शॉट्स नहीं निकल पाते। लेट मी टेल यू, अगर आपने ट्राईपॉड यूज़ करने की आदत डाल ली तो यू विल इवेंचुअली बिकम अ थिंकिंग फोटोग्राफर। आप बहुत सोच समझ के शॉट्स लेंगे और आपकी फ्रेमिंग और कॉम्पोजिशन भी काफ़ी इंप्रूव होगी। तो लेट मी टेल यू, जो लोग अभी तक ट्राईपॉड को इग्नोर कर रहे थे, इफ़ यू सीरियसली वॉन्ट टू परस्यू ट्रैवल फोटोग्राफी एज अ करियर, प्लीज़ इन्वेस्ट इन अ गुड ट्राईपॉड। लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा कुछ एक्सेसरीज की, जो कि ज़रूरी नहीं है बट स्टिल अगर आप ले तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि CPL फिल्टर, सर्कुलर पोलराइजिंग फिल्टर। ना CPL फिल्टर्स का काम क्या है? रिफ्लेक्शंस को काटना, पानी के रिफ्लेक्शंस, किसी बिल्डिंग से रिफ्लेक्शन आ रहा है, किसी मेटल सरफेस से रिफ्लेक्शन आ रहा है, या नो फ्लोर से रिफ्लेक्शन आ रहा है सनलाइट का, उसको मिनिमाइज करना काम है CPL फिल्टर्स का, और थोड़ा बहुत सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट भी पिक्चर में इंक्रीज कर देता है। तो एक CPL फिल्टर काफ़ी हैंडी टूल होता है ट्रैवल फोटोग्राफर के लिए, एंड मैंने इस एक बहुत ही यूनिक CPL फिल्टर के ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, जो कि मानफ्रोटो का CPL फिल्टर है। मुझे अभी नहीं पता वो फिल्टर अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में, आप चेक कर सकते हैं, उसके साथ एक अडाप्टर भी आता है। तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, शायद आपको वो प्रोडक्ट मिल जाए। ज़ियूम या एक्सक्यूम समथिंग उस अडाप्टर को बोलते हैं, यू शुड चेक दैट वीडियो। मैं भूल गया, मैंने काफ़ी साल पहले वो वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट आप देख सकते हैं उस वीडियो में। इसके अलावा आप सर्कुलर CPL फिल्टर निसी के ले सकते हैं, ली के ले सकते हैं, होया के ले सकते हैं। ये थोड़े से एक्सपेंसिव ब्रांड है, इनसे चीपर ब्रांड भी आते हैं जो आपको डिसेंट क्वालिटी ऑफ रिजल्ट दे देते हैं। बट अगर आप कभी कभार वीडियो भी शूट करते हैं ट्रैवल फोटोग्राफी करते वक्त, तो आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर सर्कुलर फिल्टर्स, बोथ ND। अच्छा, ND के बारे में तुमने बताया नहीं, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर्स। न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर्स लाइट को कट करने का काम करते हैं। बेसिकली अगर आपको लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लेना है दिन के समय, दोपहर के समय, और आपको स्लोअर शटर स्पीड पे लेना पड़ेगा, तो अगर आपके कैमरे के लेंस के आगे फिल्टर नहीं लगा है तो आप वो अचीव नहीं कर सकते स्लो शटर स्पीड। आपके शॉट्स ओवर एक्सपोज आएंगे, बहुत ब्राइट आएंगे। तो उस चीज़ को, लाइट को कट करने के लिए जो कैमरे के सेंसर पर पड़ रही है, ND फिल्टर्स इस्तेमाल होते हैं। नाउ ND फिल्टर्स वेरियस ब्रांड्स के आते हैं, निसी, ली, होया, ये कुछ एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं। चीपर ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं बोथ CPL और ND फिल्टर्स में।
तो वो आप चूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर बजट, एज़ पर योर डिज़ायर। हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा था, अगर आप वीडियो भी शूट करते हैं चलते फिरते एंड यू वांट सम रियली सिनेमैटिक शॉट्स ऑफ फॉर योर यू नो BTS या बी रोल या ट्रैवल फिल्म, तो आई सजेस्ट डोंट गो फॉर सर्कुलर फिल्टर्स, देन गो फॉर स्क्वायर सिस्टम ऑफ फिल्टर्स। स्क्वायर फिल्टर्स थोड़ा सा सर्कुलर के कंपैरिजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, बट एक बार आपको इसकी क्वालिटी का टेस्ट लग जाए देन यू विल प्रॉबली नेवर ट्राई सर्कुलर फिल्टर, दैट आई एम श्योर। तो स्क्वायर फिल्टर सिस्टम और ND जो सर्कुलर है उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वो कलर कास्ट छोड़ जाता है अपना। ना अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, रॉ पिक्चर्स खींच रहे हैं, तो कलर कास्ट को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, बट वीडियो में वो रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल है। वहीं पे स्क्वायर फिल्टर सिस्टम थोड़ा सा आपको बेटर रिजल्ट देता है बिकॉज वो कलर कास्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, बिकॉज ग्लास क्वालिटी, जो भी ब्रांड्स अभी स्क्वायर फिल्टर सिस्टम बना रहे हैं, दे आर मेकिंग सम रियली नाइस गुड क्वालिटी स्क्वायर फिल्टर सिस्टम, जिसमें निसी है, ली है, आई एम नॉट टू श्योर होया ये फिल्टर बनाता है कि नहीं, बट निसी ली मेक सम रियली नाइस स्क्वायर फिल्टर सिस्टम, जिनको आप बोथ वीडियो एंड फोटो दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उनके लिए जो दोनों काम करते हैं, बट अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो स्टिक टू सर्कुलर पोलराइजिंग फिल्टर एंड सर्कुलर ND फिल्टर्स। बहुत सारे ब्रांड्स मैंने ऑलरेडी बता दिए आपको, चीपर ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, यू कैन हैव अ लुक बट हैव वन और टू विद देम, इट्स ऑलवेज हैंडी, आपको हमेशा काम ही आएगा वो फिल्टर्स। एट लास्ट एक और एक्सेसरी, वो है रिमोट रिलीज या रिमोट ट्रिगर या वायरलेस रिमोट फॉर योर कैमरा। नाउ ऑलमोस्ट सारे कैमरा ब्रांड्स अपने कैमरास के लिए वायरलेस रिमोट बनाते हैं कंपैटिबल। जो भी आप लें कैमरा बॉडी से वो कंपैटिबल है कि नहीं वो आप एक बार चेक कर लें, उसके बाद ही वो रिमोट लें। और रिमोट इसलिए कि मेरे जो मोस्ट सेलेबल शॉट रहे हैं वो सेल्फ पोर्ट्रेट के रहे हैं। मतलब मैंने कैमरे को ट्राईपॉड पर लगा दिया, फिर मैंने एक फ्रेम सेट कर लिया, मैं गया, मैं वहाँ पे खड़ा हो गया और मैंने अपना एक पोर्ट्रेट ले लिया अलॉन्ग विद द साइट सीइंग लोकेशन। तो वो मेरे खासा बिकने वाले शॉट रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जब तक आपके पास रिमोट है यू कैन रियली पुल आउट दोज शॉट्स। हाँ, यू कैन यूज़ जो डेडिकेटेड कैमरा ब्रांड्स हैं उनकी एप्लीकेशंस भी आती हैं, मोबाइल ऐप्स भी आती हैं, उनसे भी आप कैमरे को ट्रिगर कर सकते हैं, बट मोबाइल ऐप्स की एक पर्टिकुलर रेंज होती है, उसके बियॉन्ड वो काम नहीं करता, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। बट जबकि रिमोट है उनकी रेंज काफ़ी रहती है, तो आप थोड़ा दूर भी जाके कैमरे से अगर कैमरे को ट्रिगर करेंगे तो वो ट्रिगर कर देता है। तो ये एक छोटी सी एक्सेसरी है, बहुत महंगी नहीं होती, बट ट्रस्ट मी अगर आपके पास हो तो प्लेन ब्लैंड शॉट से अच्छा अगर आप उसमें अपने आप को ही दिखा दें एज अ ह्यूमन एलिमेंट, तो उस शॉट की जो वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ जाती है। जितना भी मैंने समझाया है, जितना भी मैंने बताया है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। कुछ लोग मेरी बातों से डिसअग्री भी कर सकते हैं, बट अगर आप एग्री करते हैं एंड यू वॉन्ट टू ट्राई आउट सम इक्विपमेंट या यू वॉन्ट टू बाय आउट सम इक्विपमेंट, डू विजिट द लिंक्स जो मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़े हुए हैं। फ्यूचर फॉरवर्ड इज द ओनली कैमरा रिटेल ब्रांड दैट ऑफर्स मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइसेस इन द एंटायर कंट्री। लेट मी टेल यू, दे आर वेरी रिलायबल। मैं इनसे कैमराज और लेंसेज काफ़ी टाइम से खरीद रहा हूँ, और कभी भी कुछ इशू भी आता है तो नो क्वेश्चंस आस्क, दे टेक इट बैक ऑल्सो। एंड सर्विस इनकी काफ़ी अच्छी है, इनके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ऐसे नहीं है कि आपको कोई चीज़ चिपकाने की कोशिश करेंगे या टिकाने की कोशिश करेंगे। दे विल एक्सप्लेन थिंग्स टू यू, दे विल लिसन टू योर रिक्वायरमेंट, और अगर उनके पास वो चीज़ नहीं है तो वो क्या बेस्ट ऑफर कर सकते हैं आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो भी आपको बताएंगे। सो दे आर वेरी गुड पीपल, जेन्युइन पीपल, जो जेन्युइन आपको रिस्पॉन्स करेंगे, पीछे पड़ के आपको बार बार फ़ोन करके फॉलो अप नहीं करेंगे कि आपने क्या डिसाइड किया, आपने लेना है नहीं लेना है। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप लेंगे, आप उनसे सवाल पूछेंगे, वो आपको जवाब देंगे, आपकी हेल्प करेंगे एंड दे विल गेट। हाँ, इनका रेंटल हाउस भी है, यू इफ़ यू वॉन्ट टू रेंट आउट सम इक्विपमेंट यू कैन रेंट आउट फ्रॉम देम एट वेरी चीपर नो रेट्स एंड दैट्स इट, मुझे लगता है। हाँ, एक और चीज़, हाँ, ट्रैवल फोटोग्राफी जो है अगर सीरियसली सीखने की बात आती है तो आई बिलीव उसको फील्ड में सीखा जाना चाहिए, और फील्ड में सिखाने के लिए आई एम अलॉन्ग विद THC डूइंग आई एम कंडक्टिंग अ सिक्किम फोटोग्राफी एक्सपीडिशन इन द मंथ ऑफ मार्च। 7 दिन का ये एक्सपीडिशन होगा, आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है उसको ज्वाइन करने के लिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिया, यू कैन गो रीड पूरा उसका क्या भी क्या आइटनरी है, क्या प्लान है, जस्ट गो थ्रू इट। इफ़ यू लाइक इट, यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, यू वॉन्ट टू स्पेंड 7 days विद मी एंड इवेंचुअली वी विल लर्न ईच अदर फ्रॉम ईच अदर, वी विल लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड देन यू विल कम बैक विद सम नाइस शॉट्स ऑफ नॉर्थ ऑफ सिक्किम, जिसमें हम लाचेन, लाचुंग, गुरुदुंगमार, जो कि इंडिया की वन ऑफ द हाइएस्ट ऑल्टीट्यूड लेक्स है,
लोगों को लगता है पैंगोंग इज़ दी हाईएस्ट, बट ऐसा नहीं है। गुरदुंगमार इज़ दी हाईएस्ट लेक, वन ऑफ द हाईएस्ट लेक, जो कि पैंगोंग से भी ऊपर है। तो वहाँ पे भी हम जाएंगे, लाचिंग जाएंगे, लाचुंग जाएंगे, ये सारे युमथांग वैली जाएंगे, तो ये सारे रीजन्स हम एक्सप्लोर करेंगे सिक्किम में। और वहाँ पे हम खूब सारी ट्रैवल फोटोग्राफी करेंगे, वहाँ पे मोनेस्ट्रीज में जाएंगे, वी विल डू लॉट ऑफ लैंडस्केप फोटोग्राफी। तो एंड इट्स लाइक यू जस्ट हैव टू पे वंस, यू लैंड इन बागडोगरा एंड फ्रॉम देयर ऑन यू विल बी अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी विल टेक यू होटल्स एंड एवरीथिंग, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। सो अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स जाननी है, आप लिंक पे क्लिक करिए, यू कैन गो थ्रू द डिटेल्स। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ब्लॉक योर स्लॉट। सो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। हालांकि गियर्स एंड कैमरास के ऊपर मैं बहुत इलाबरेटेड वीडियो बना सकता था, बट मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं एंड वॉन्ट टू गेट सीरियस अबाउट ट्रैवल फोटोग्राफी एज अ करियर। तो उनको ध्यान में रखते मैंने ये कैमरा गियर का ये वाला एपिसोड तैयार किया है। एंड आई विल बैक विद अनदर एपिसोड, एपिसोड नंबर 3, ट्रैवल फोटोग्राफी कोर्स, वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।